आज बनाएंगे बहुत ही हेल्दी नाश्ता जिसे हम 10 मिनट में बनाकर तैयार कर लेंगे। उसके लिए मैंने ले लिया है 1 कप मूंग। मैंने इसे रात भर भिगोकर इसे करीब 4 से 5 घंटे के लिए रख दिया था, तो ये थोड़ा सा अंकुरित हो गया है। अब हम इसे मिक्सी जार में डाल देंगे। इसके साथ मैंने 1 प्याज लिया है, उसका छिलका उतार लिया है, टुकड़ों में काट लिया है। अब हम इसे मूंग में डाल देंगे, साथ में हरी मिर्च डालेंगे, थोड़ा सा करी पत्ता डालेंगे और इसका एक महीन सा पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट बनाने के बाद हमें इसे बाउल में ट्रांसफ़र कर लेना है। अब हमें इसमें 1/2 कप के करीब पानी मिला देना है। इसके साथ मैंने इसमें गेहूं का आटा 2 चम्मच मिलाया है। आप यहाँ पे चाहें तो सूजी भी डाल सकते हैं या फिर आप ऐसे ही बना सकते हैं। इसे मिलाने के बाद इसमें कुछ मसाले डाल देंगे, जिसमें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1/2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, स्वाद के अनुसार नमक डाला है। इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिला लेना है। तो हमें इस तरह का बैटर चाहिए। ऊपर से मैंने थोड़ा सा करी पत्ता भी डाला है। यहाँ पे आप चाहें तो हरा धनिया भी डाल सकते हैं। पैन गरम होने के लिए रख दिया था, तो इसके ऊपर थोड़ा सा तेल इस तरह से डाल देना है। अब हमें इसके ऊपर 1 बड़ा चम्मच बैटर को इस तरह से डालना है और हल्के हाथ से इसे थोड़ा सा फैला देना है। अब हम इसे ढक देंगे और करीब 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे अच्छे से पका लेंगे। तो 2 से 3 मिनट के बाद आप देख सकते हैं नीचे से काफ़ी अच्छे से पक चुका है। तो अब हम इसे पलट देंगे और दोनों तरफ से अच्छे से हम इसे पका लेंगे। ये नाश्ता खाने में बहुत ही टेस्टी लगा था और इसे बनाना भी आसान है। ऊपर से थोड़ा सा तेल डाल डाल कर हम इसमें सेक लेंगे। दोस्तों, अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए तो 1 लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करिएगा। हम अपने चैनल पर इसी तरह की आसान सी रेसिपी लेकर आते रहते हैं। तो हमारा नाश्ता बनकर तैयार है। इसी तरह से हम सारे नाश्ते को बना लेंगे। आप देख सकते हैं ये देखने में कितना अच्छा लग रहा है, खाने में उतना ही टेस्टी था। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।